हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होल ऑन बोर्डिंग प्रोसेस ऑफ एक्सेंचर। गियर अप डे वन का जो मेल आता है उसके बाद से क्या पूरी प्रोसेस रहती है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैंने 3 स्टेप्स में बांटा है। फर्स्ट इज गियर अप फॉर योर डे वन काइंड ऑफ मेल्स, जो हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी और एक्साइटमेंट जैसी फीलिंग्स दे देते हैं। उसके बाद प्राइमर मॉड्यूल्स कब आते हैं, और लास्ट स्टेप होगी कि लोकेशन जो है, ऑफिस लोकेशन या फिर जो भी होटल लोकेशन जहाँ आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा उसका इन्फॉर्मेशन का मेल कब आता है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है DOJ मेल। ये मैंने पूरी पूरी डायरी में नोट डाउन करके रखा है कि क्या क्या चीज़ें कवर करने हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेल जब हमें आ जाता है तो वो ऐसे आता है, गियर अप फॉर योर डे वन और हाइफन लोकेशन। आपकी जैसे मेरी लोकेशन पुणे है तो मुझे पुणे ही लिख के आ गया था। आपकी लोकेशन जो भी होगी आपको वो लिख के आ जाएगा। उसमें काउंट डाउन टू एक्सेंचर पेज और टच पॉइंट एक्सेंचर पेज, ये सारी लिंक्स अवेलेबल रहती है, जिसमें से टच पॉइंट आपको 2 दिन के अंडर भर देना है। मतलब सारा चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहेंगे कि आपका कोविड का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं, और आपके पास एसेट है या नहीं, जैसे लैपटॉप वगैरह। आपको प्राइमर्स के मेल आएंगे, राइट? तो प्राइमर्स आपको करने के लिए लैपटॉप ज़रूर लगेगा। वहाँ पे कोडिंग वोडिंग होती है, हैंड्स ऑन होता है, तो वो बिना लैपटॉप के तो हो नहीं सकता। तो ऐसी सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी, वाईफाई है या नहीं, तो सब आपको यस यस करते जाना है। और ओरिजिनल डिग्रीज है जो कॉलेज से हमको मिलती है पास आउट होने के बाद, वो आप कब तक सबमिट करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछी जाती है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप पहले ही यस कर देना, और नहीं है तो आप एक टाइम स्पैन बता देना कि 1 महीने के अंदर अंदर वी विल सबमिट दैट। ये हो गया DOJ, ज्वाइनिंग डेट आ गई। फिर सेकेंड स्टेप होती है कि आपको प्राइमर मॉड्यूल्स कब आते हैं। तो DOJ मेल आ गया। DOJ मेल आने के 2 दिन में, मुझे 2 दिन में, जैसे मुझे 12 को अगर फॉर एग्जांपल मुझे आया था DOJ का मेल कि गियर फॉर योर डे वन एट पुणे दिस कैंपस, और फिर उसके 2 दिन में यानी 13 गया, 14 गया, और 15 को मुझे आ गया था प्राइमर्स का मेल। और वहाँ पे सीधा मेंशन होके आया था कि 3 वीक्स जर्नी रहेगी, तो आपको 3 वीक्स में ये कंप्लीट करना है अगर आपको 10K इंसेंटिव चाहिए एज अ रिवॉर्ड। और वो रिवॉर्ड के लिए भी एक रिस्ट्रिक्शन थी कि आपके मॉड्यूल्स 100% कंप्लीट चाहिए, और जो प्राइमर्स का टेस्ट होगा आपके ऑनबोर्डिंग के बाद ही, मैं बार बार बता रही हूँ, ऑनबोर्डिंग के बाद होगा प्राइमर्स का टेस्ट, तो उस टेस्ट में आपको स्कोर करने पड़ेंगे 80% अबव मार्क्स, यानी कि 16 अबव आपको स्कोर करना पड़ेगा, तो वो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है उसके लिए कि जैसे प्राइमर मॉड्यूल्स आ जाते हैं आपको तुरंत, ऐसी ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम आ गया और कंप्लीट करने लग जाना है। मेरे घर में मेहमान थे जब प्राइमर मॉड्यूल आया, तो मैं मतलब 20 तक ऐसी राह देख रही थी, कब जाएंगे कब जाएंगे, कब मैं कंप्लीट करूँगी। तो मैंने 20 से कंप्लीट करने की जर्नी शुरू कर दी, और मैंने खुद को एक टाइम स्पैन दिया था कि मेरे पास 10 दिन है, क्योंकि मैं कुछ अलग जगह रहती हूँ और मुझे पुणे शिफ्ट होना था। तो अगर मेरी ज्वाइनिंग डेट नेक्स्ट मंथ के 1st वीक में है और मुझे इस मंथ के 15 को आ गए हैं, ठीक है, प्राइमर्स, और 20 से मैं शुरू कर रही हूँ, तो मैंने 10 दिन का खुद को टाइम स्पैन दिया था कि मेरे को 30 तारीख तक एनी हाउ प्राइमर्स कंप्लीट करने हैं। दिन रात 2-2, 3-3 बजे तक बैठी रही थी मैं, वीडियोस देखती रही, और फिर हैंड्स ऑन भी, वो जावा कोर्स लिखने पड़ रहे थे ना कंटिन्यूसली, हम लिखते हैं उनको तो कॉपी पेस्ट तो होता नहीं हो, तो लिखना पड़ता है, इतनी 200-200, 300-300 लाइन के कोर्स है, वो सब लिखते लिखते बहुत टाइम हो जाता था, और इतना टाइम मैंने अपने प्राइमर मॉड्यूल्स को दिया। तो ये सब मैंने 30 तारीख तक मैंने ख़त्म भी कर दिया, मेरा वो टारगेट था मैंने अचीव कर लिया, क्योंकि उसके बाद मेरे को तैयारी करनी थी पुणे जाने की। इसीलिए एक टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग किस डेट के अराउंड उसको ख़त्म करेंगे। अगर वो डेट आप सेट नहीं कर रहे हो ना, एंड डेट, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वो प्राइमर्स ख़त्म कर पाएगा, क्योंकि प्राइमर्स इतनी सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें, एकदम इतने सारे मॉड्यूल्स, उन मॉड्यूल्स के एक्सपीज कवर करते रहो, और फिर क्विजेस है, पोस्ट क्विजेस है, और कितना सारा हैंड्स ऑन है, ठीक है, तो वो सब नहीं हो पाता। इसलिए एक डेडलाइन आपको सेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके वो मॉड्यूल्स कम्प्लीट हो पाएंगे। तो मेरे 10 दिन में मॉड्यूल्स कम्प्लीट हो गए थे, तो जो 3 वीक्स जर्नी थी वो मेरी राइट थी। उसके बाद सबसे ज़्यादा एंजाइटी मुझे इस चीज़ के लिए हुई थी कि अकोमोडेशन के लिए मैंने यस डाला था टच पॉइंट वाली मेल की लिंक पे, तो वहाँ पे मैंने यस डालने के बाद मैं इसमें थी कि मुझे अकोमोडेशन डिटेल्स कब आएंगी।
तो अगर समझ लो मेरा नेक्स्ट मंथ के 4 तारीख को निकलने का है, क्योंकि मैं यहाँ से 4 को निकलूंगी तो 5 को वहां पहुंचूंगी और 6 को वहां ज्वाइन कर सकूंगी D1 के लिए। तो जब मैं निकल रही थी 4 तारीख को, तो मुझे 4 को अकोमोडेशन डिटेल्स आए ट्रेन में बैठने के 1 घंटा पहले। तब तक मुझे कुछ नहीं पता था कि पुणे जाके मेरा क्या होने वाला है, मैं रहने कहाँ वाली हूँ। मुझे बिल्कुल 1 घंटे पहले डिटेल्स आए और फिर मैंने देखा अच्छा मेरा होटल ये इस एरिया में है और मुझे रिपोर्ट बहुत दूर करना है, मतलब मेरा वहाँ से अकोमोडेशन ऑफिस से, जिस ऑफिस में मुझे रिपोर्ट करना था वहाँ से मेरा अकोमोडेशन 1.5 घंटे के अराउंड था और पुणे के ट्रैफिक में वो 2 घंटे लग गए थे मुझे पहुँचते। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इतना सेंसिबल रहो दिमाग से कि आपको इतना टाइम लगेगा अगर आप इतनी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा रहे हो। तो ऑफिस लोकेशन और अपनी जो है अकोमोडेशन लोकेशन, ये आपको ज्वाइनिंग के 2 दिन पहले आएगी। तो ज्वाइनिंग अगर आपकी 6 तारीख की है तो आपको 4 तारीख को मेल आने लग जाएगा कि आपका होटल डिटेल्स क्या है। और दूसरे दिन जब आप पहुंचोगे तो चेक इन करने का टाइम हो जाता है, लिखा आता है कि 12 बजे के पहले आप चेक इन नहीं कर सकते दोपहर के। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जल्दी पहुंच गई थी, मैंने जल्दी चेक इन कर लिया था। अगर आप पहुंच जाते हो जल्दी से अपनी प्लेस पे, ज्वाइनिंग 6 की है तो 5 को आप चेक इन करोगे होटल में और आपको 15 दिन के लिए अकोमोडेशन रहता है, तो आप जल्दी चेक इन कर सकते हो। वो लोग ले लेंगे आपको, आपका सामान रखवा देंगे रूम में, उसके बाद आप फ्रेश वगैरह होइए। उनके तरफ से सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट रहता है, तो उस दिन से ब्रेकफास्ट शुरू नहीं होता है, ज्वाइनिंग के दूसरे दिन से ब्रेकफास्ट शुरू हो जाएगा। तो दूसरे दिन ब्रेकफास्ट करिए। अगर आपका सुबह का टाइमिंग है, 2 स्लॉट्स रहते हैं, 1:30 का, 1:30 का, तो मेरा 12:30 का था, इसलिए मुझे वहाँ डायरेक्ट जाके लंच ही करना था। पर जिनका 7:30 का रहता है उनको जल्दी निकलना पड़ता है, तो मेक श्योर कि अगर आप पुणे जैसी सिटीज में हो तो वहाँ कैब ड्राइवर्स ना कैब बहुत जल्दी कैंसिल कर देते हैं अगर आप सुबह सुबह बुक कर रहे हो कैब, और डिस्टेंस काफ़ी दूर है। जैसे मुझे मगरपट्टा जाना था तो डिस्टेंस मेरे होटल से एकदम 1.5 घंटा दूर था, तो कैब ड्राइवर्स क्या है कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए मैंने प्री बुक कर लिया था रात को ही। मेरे आगे के ही रूम में एक लड़की थी, थैंकफुल टू दैट आंटी, एक आंटी उससे मिलने आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पुणे के कैब ड्राइवर्स का ये सीन रहता है, इसलिए तुम लोग प्री बुक कर लो। 9 बजे मुझे निकलना था वहाँ से ट्राफिक को देखते हुए, तो हम 9 बजे तो नहीं निकले, हम 10 बजे अराउंड निकले और मैंने प्री बुक कर लिया था रात में कैब बिल्कुल ओला पे जाके। तो हाँ, हमारी कैब उस टाइम पे आ गई थी, क्योंकि प्री बुक वाली चीज़ें ना कैंसिल नहीं होती है, वो लोग तभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए प्री बुक करना कभी भी अगर आप पुणे, बैंगलोर, मुंबई ऐसी जगह जाते हो तो। तो और कुछ है क्या? नहीं, बस यही था। ऑफिस लोकेशन आपको मिल जाएगी 2 दिन पहले, अकोमोडेशन डिटेल्स भी 2 दिन पहले मिल जाएंगे। तो बिल्कुल एक काम करना कि बिल्कुल पैनिक मत होना कि अरे मुझे आया ही नहीं, मुझे आया ही नहीं, आपको आ जाएगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे भी टेंशन हो रहा था, टेंशन सभी को होता है, हम पहली बार जा रहे हैं अलग सिटी, हमारे रिलेटिव्स भी नहीं मिले, तो कोई रिलेटिव्स नहीं थे पुणे में, इसलिए मुझे तो टेंशन हो ही रहा था कि मैं रहूँगी कहाँ। पर वो लोग को उनकी जिम्मेदारी पता है, वो लोगों ने भेजा, बिल्कुल टाइम पे भेजा, वो पहले भेज के भी क्या करते, 5 तारीख का आपका चेक इन है तो उन्होंने 4 तारीख को भेज दिया, और ऐसे भी नहीं रात वात को भेजा, उन्होंने शाम अराउंड भेज दिया था, तो आफ्टरनून अराउंड ही भेज दिया था, तो उनको उनकी जिम्मेदारी पता है। इसीलिए आप लोग ऐसे मेल वेल मत डालने लग जाना कि मुझे अकोमोडेशन डिटेल्स नहीं आया, 2 दिन पहले ही आएंगे वो आपको, क्योंकि पहले भेज के भी कोई मतलब नहीं है। रही बात डॉक्यूमेंटेशन अपलोड की, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो काउंटडाउन टू एक्सटेंचर पेज है उसके लिए एक अलग से मीटिंग होती है, तो एकदम शुरू में पैनिक मत होना कि मुझे फॉर्म 11, फॉर्म एफ, ग्रेट्यूटी, ये सब कुछ चीज़ें तो पता ही नहीं है, तो इसके लिए पैनिक मत होना, थोड़ा वेट करना। मैं वेट करती गई और फिर उसके बाद उनका मेल आया कि एक मीटिंग शेड्यूल की उन लोगों ने, और वहाँ पे वो लोग पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं। तो इसीलिए वो सारा प्रोसीजर बहुत स्मूथ करके देते हैं, ऑनबोर्डिंग का एक ऑनबोर्डिंग टीम अलग से उन लोगों की, तो पैनिक मत होना, वो लोग है वहाँ पे, सो दे आर देयर टू हैंडल एवरीथिंग, उनको उनका काम पता है। इसीलिए तुम लोग भी एकदम थोड़े चिल रहना ऑनबोर्डिंग के पहले, जॉइनिंग पे पहले हमको रहती है एंजाइटी, मैं जा चुकी हूँ उस दौर से, सब हो चुका है, लेकिन पैनिक करके कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब ये धीरे धीरे मैं इतनी चिल होके यहाँ पे इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो सब एक्सपीरियंस किया है, तो ये मैं तुमको पास ऑन कर सकती हूँ कि इतना टेंशन लेने वाली कोई चीज़ें नहीं है, वो सब वो हो जाता है।
तो मैंने इसमें DOJ भी कवर कर दिया, प्राइम मॉडल्स भी कवर कर दिया और पूरा ऑनबोर्डिंग का जो ऑफिस लोकेशन और अकोमोडेशन रिलेटेड रहता है वो भी कवर कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ और रिप्लाई करती रहूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय।